राग किससे होता है? जहां से सुख मिलेगा, सम्मान मिलेगा। अब एक इसका दूसरा पहलू और है, द्वेष। अगर राग हुआ है तो द्वेष भी होगा। द्वेष किससे हो जाता है? जहां से सुख नहीं मिलता, जहां से सम्मान नहीं मिलता, उनसे द्वेष हो जाएगा। इसकी भट्टी में हम जलते रहते हैं, राग द्वेष की भट्टी में। इसलिए पतंजलि ने कहा, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये पांच क्लेश ऐसे हैं जो स्वरूप से, सत्ता से, अस्तित्व से, अपने से, परमात्मा से मिलने नहीं देते हैं।